साइबर हैकिंग विवाद के चलते एक तरफ जहां बराक ओबामा ने अमेरिका में काम कर रहे 35 रूसी अफसरों को एक ही झटके में निष्कासित कर दिया, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। जिसके बाद पुतिन के इस कदम की तारीफ करते हुए अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को स्मार्ट व्यक्ति करार दिया है। अमेरिका रूस के बीच पिछले 48 घंटों में काफी कुछ हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इन सारी बातों से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो वहीं उन्होंने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की और पुतिन को एक स्मार्ट व्यक्ति कहा है। दरअसल 8 नवंबर को हुए अमेरिकी चुनावों में साइबर हैकिंग का बदला लेते हुए बराक ओबामा ने अमेरिका में काम कर रहे 35 रूसी अफसरों को देश से निकालने का फैसला किया और साथ ही 2 रूसी दफ्तरों को भी बंद करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका संबंधों की दोबारा बहाली की तरफ कदम उन नीतियों के आधार पर उठाए जाएंगे जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन तय करेगा। पुतिन के इस फैसले को ट्रंप ने महान फैसला बताया और कहा कि मैं हमेशा से जानता था कि वो बहुत स्मार्ट है। इसके साथ ही ट्रंप ने प्रतिबंध लगाने के लिए ओबामा की आलोचना भी की। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, जिसके बाद देखना यह होगा कि रूस के खिलाफ ओबामा के इस फैसले को ट्रंप पलटते हैं या नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।